Good morning, students. Today is our last topic of short distance transport. We already have discussed about diffusion, osmosis, facilitated diffusion. Today we study about the active transport. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है बेटा ये बाकी के ट्रांसपोर्ट से बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न भी एक टाइप का डिफ्यूज़न ही था, ऑस्मोसिस भी एक मॉडिफाइड डिफ्यूज़न ही था. आज हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट. वो सारे मेथड इंक्लूड हो रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उनमें क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है बेटा इट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है. अगेंस्ट मीन यहां पर जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा बेटा फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन. जबकि जो हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट मेथड पढ़ा था उसमें उल्टा हो रहा था. वहां पर मूवमेंट कहां से कहां हो रही थी, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. लेकिन यहां पे क्या हो रहा है बेटा, लोअर टू हायर हो रहा है. अब क्योंकि लोअर टू हायर जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे बेटा अप हिल ट्रांसपोर्ट. जबकि डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने क्या कहा था, वहां पर हो रहा था डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हायर टू लोअर जा रहा था तो वहां तो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट था, यहाँ क्या है अपहिल ट्रांसपोर्ट. अब क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है तो इट रिक्वायर एनर्जी. इसको करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. इट इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. एक्सपेंडिचर क्यों चाहिए बेटा, एक्चुअली एक्सपेंडिचर चाहिए होता है कैरियर प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए. यहां पर फिर से एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि इनको कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चाहिए था, लेकिन वहां पर कैरियर प्रोटीन को एनर्जी की जरूरत नहीं थी, ठीक है. और वो जो कैरियर प्रोटीन थे वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, जबकि यहाँ क्या है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है. तो बिल्कुल डिफरेंस है. एक्चुअल में जो एनर्जी चाहिए होती है वो सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं चाहिए, वो किस लिए चाहिए, कैरियर प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है. तो इनको करने के लिए हमेशा एक ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है. होता क्या है, सबसे पहले हमने एनर्जी सप्लाई दी, ये एनर्जी क्या करेगी, इस कैरियर प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगी. अब कैरियर प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, कैरियर प्रोटीन सॉल्यूट के साथ बाइंड करेगा और क्या बना लेगा, सॉल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स. क्या बनाएगा बेटा, सॉल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स. इस एक्टिवेटेड कैरियर प्रोटीन ने सॉल्यूट के साथ बाइंड किया और सॉल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स बना लिया. अब ये सॉल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करेगा. अब मूवमेंट इस तरीके से होगी कि दिस कॉम्प्लेक्स रिचेस टुवर्ड्स द अदर सरफेस, ठीक है. इस तरीके से रोटेट करता है कि जो सॉल्यूट पहले आउटर सरफेस की तरफ ऐड हो रहा था, वो कैरियर प्रोटीन इस तरीके से रोटेट करता है कि अब वो किस तरफ चला जाएगा, दूसरी मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ चला जाएगा. और वहां जाने के बाद सॉल्यूट डिसोसिएट फ्रॉम, डिसोसिएशन हो जाएगा किसका, सॉल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स का. सॉल्यूट जो है वो कैरियर प्रोटीन से सेपरेट हो जाएगा और आपका सॉल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है. जैसे ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा, सॉल्यूट फ्री हो गया, रिलीज हो गया, और ये जो कैरियर प्रोटीन है इट मूव एंड पिक अप द अदर सॉल्यूट. तो इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता रहता है. जैसे ही कैरियर प्रोटीन को सॉल्यूट मिलेगा, सबसे पहले वो एनर्जी लेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद सॉल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स बनाएगा,
सॉल्यूट कैरियर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करेगा, फिर सॉल्यूट को मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ रिलीज करके वापस किसी सॉल्यूट को पिकअप कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको करने के लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। तो दो चीजें और भी आ जाती हैं। पहली चीज क्या आती है कि ये सैचुरेशन इफेक्ट शो करेगा। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब क्या है, जब तक सारे के सारे कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं हो जाते हैं ट्रांसपोर्ट में, तब तक सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होगा। लेकिन एक बार सारे के सारे प्रोटीन अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसके बाद फर्दर सोल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि क्योंकि कैरियर प्रोटीन यहां पर इन्वॉल्व है तो जो इनहिबिटर्स है वो इस प्रोसेस को इनहिबिट कर सकते हैं। कौन से इनहिबिटर्स, जिनके लिए आपके कैरियर प्रोटीन्स जो है वो सेंसिटिव। तो कैरियर प्रोटीन जिन इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव है वो इनहिबिटर्स क्या करेंगे, इस कैरियर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन। इन प्रोटीन्स की साइड चेन के साथ रिएक्ट करते हैं और इनको इनएक्टिव कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो था बेटा आपका प्रोसीजर किसका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। आपने यहाँ पर क्या देखा बेटा, कैरियर प्रोटीन एक और कैरेक्टर शो करते हैं, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक मीन्स ये सेलेक्ट करेंगे कि किस सोल्यूट को ट्रांसपोर्ट करना है। दैट मीन्स दे आर सेलेक्टिव। कैसे होते हैं बेटा, सेलेक्टिव होते हैं। जहां पे भी कैरियर प्रोटीन्स आपके इन्वॉल्व होंगे वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, सेलेक्टिव हो जाएगा। अब हम एक बार सभी को कंपेयर कर लेते हैं, कौन कौन से हमने अब तक पढ़ा है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनको हम कंपेयर कर लेते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं या नहीं है। तो सिंपल डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि इनमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, दे आर एबसेंट। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है क्योंकि इनको लिविंग सिस्टम चाहिए ही नहीं होता है, ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करने के लिए भी हमें क्या चाहिए बेटा, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स चाहिए। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट था। अब हम बात करते हैं हाईली सेलेक्टिव, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन में तो क्या है, कोई भी मटेरियल डिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, मे बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। जिसकी भी हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन का गैप जहां पर क्रिएट होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जहां पर बनेगा वहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल डिफ्यूजन हाईली सेलेक्टिव नहीं होता है। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्योंकि ये प्रोटीन्स की हेल्प से होते हैं तो ये सेलेक्टिव होते हैं, हाईली सेलेक्टिव होते हैं कि किसको ट्रांसपोर्ट करना है किसको नहीं करना वो ये डिसाइड करेंगे। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन में सैचुरेशन इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका सैचुरेशन इफेक्ट भी आएगा। जब तक सारे के सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब तक सैचुरेशन नहीं आता है। सैचुरेशन कब आएगा बेटा, जब सारे के सारे प्रोटीन्स किसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन। अगला कैरेक्टर आता है कि अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है कि नहीं होता। तो आपको पता है कि सिंपल डिफ्यूजन में तो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है, अपहिल नहीं होता है। तो इसका मतलब सिंपल डिफ्यूजन में अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हमने पढ़ा था कि ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही होता है, तो इसमें भी अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट किस में होता है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। अपहिल का मतलब क्या है, फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ कि वेदर दे रिक्वायर एटीपी और नॉट।
तो हमने पहले भी डिस्कस किया था एटीपी हमें कब चाहिए, जब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। हालांकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं बट दे डोंट रिक्वायर एटीपी, ठीक है, क्योंकि वहां पर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल डिफ्यूजन को करने के लिए एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए भी हमें एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी किसके लिए चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे बेटा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। आज का टॉपिक बड़ा सिंपल सा था, बहुत ईजी भी था, तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। थैंक यू बेटा।